महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में 12 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन सरकार के सेंट्रल विस्टा एवेन्यू रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है। यहां काम वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, लेकिन DDMA ने दिल्ली हाईकोर्ट से सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग की है। स्वास्थ्य मुसीबत की दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है। कई राज्यों में पूर्णबंदी लागू है। दिल्ली में भी पिछले 12 दिनों से लॉकडाउन जारी है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम चालू है, जिसमें देश के नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। बड़ी संख्या में मजदूर, मिस्त्री और अन्य लोग यहां काम कर रहे हैं, लेकिन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस परियोजना को रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल अथॉरिटी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा किए जा रहे सभी निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में बताया गया है कि महामारी तेजी से फैल रही है, बावजूद इसके सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम चल रहा है। ऐसे में मजदूरों और अन्य लोगों की जान मुश्किल में पड़ सकती है, जितनी जल्दी हो सके इस निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। दरअसल मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा 2022 तक बनकर तैयार होना है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नए संसद भवन का निर्माण करना है। जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, उस समय तक इस योजना को अंतिम रूप देना है। महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद 3.2 किलोमीटर के क्षेत्र को पुनर्विकास करना है, जिसमें एक नए त्रिभुजाकार संसद भवन का निर्माण होना है। पिछले साल सितंबर में पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी, जिसके बाद से ये निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हाईकोर्ट 17 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। DB लाइव की रिपोर्ट।